आखिर कौन बन रहे हैं प्रदेश के नए डिप्टी सीएम, आइए जानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया और इस बीच अब डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा जोर पकड़ ली है, जिसमें दो नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम के लिए मुख्यमंत्री की तरह ही चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम बनाने का रिवाज नहीं था, लेकिन पिछली भूपेश सरकार में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया था, जहां भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया था। वहीं अब ये खबर आ रही है कि भाजपा ने विष्णु सरकार में दो डिप्टी सीएम बनाने का फैसला कर लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर बात नहीं की गई है, लेकिन कयासों का दौर जोरों पर है। जी हाँ, बात करें कि डिप्टी सीएम के लिए सामने आ रहे नामों की, तो इनमें पहला नाम अरुण साव का है, जो छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरा नाम है कवर्धा विधानसभा सीट से भूपेश सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को हराने वाले विजय शर्मा, जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों नेताओं का नाम डिप्टी सीएम के लिए फाइनल है। देखा जाए तो भाजपा ने जैसे आदिवासी सीएम बनाकर प्रदेश की आदिवासी जनता को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए साथ लिया, तो वहीं अब ओबीसी और संवर्ग वर्ग से आने वाले नेताओं को डिप्टी सीएम का पद देकर प्रदेश के अधिकाधिक वोटर्स को साधने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट।